इनकम टैक्स विभाग और ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने डेरा सच्चा सौदा की संपत्ति की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हाईकोर्ट के निर्देश पर ये जांच पड़ताल की जा रही है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने डेरा की संपत्ति को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट ने अपने आदेश में डेरा की आय और कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच आयकर विभाग और ईडी को मिलकर करने को कहा था। कोर्ट के मुताबिक इस बात का पता लगाया जाए कि डेरा में इमारत, अस्पताल, स्कूल समेत अन्य इमारत बनाने की इजाजत किसने और कब दी, क्या ये सभी प्रकार के टैक्स दे रहे थे। कोर्ट ने ये भी कहा था कि पंजाब और हरियाणा मुआवजा के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन करें। इस दौरान कोर्ट ने ये भी कहा था कि इस मामले में दो ट्रिब्यूनल गठित किए जाएं, एक पंजाब के लिए और एक हरियाणा के लिए। पंचकुला में हिंसा में जानमाल के नुकसान की भरपाई डेरा संपत्ति से की जाएगी। अब ईडी और इनकम टैक्स ने डेरा मुख्यालय के अंदर गलत तरीके से हुए टेंडर और अवैध संपत्ति को लेकर हाई कोर्ट के जांच के आदेश पर अपनी पड़ताल शुरू कर दी है। इसके लिए विशेष जांच टीम गठित की गई है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए जल्दी पूछताछ के लिए डेरे के सीए, ऑडिटर और सीएफओ को बुलाया जाएगा। जांच के दौरान देखा जाएगा कि डेरा में काले धन को कहीं सफेद तो नहीं किया जा रहा था। साथ ही दानदाताओं के खातों की जांच पड़ताल भी की जाएगी। इसके अलावा करोड़ों रुपए के बजट से बनी फिल्मों और विदेशी चंदे की भी जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही धर्म के नाम पर मिली छूट की जांच हो रही है। डेरे के पास दिल्ली, हरियाणा समेत अनेक शहरों में प्रॉपर्टियां मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा के तहत ये जांच हो रही है। जाहिर है हाईकोर्ट के आदेश पर डेरा की संपत्ति को लेकर इनकम टैक्स और प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है और इसमें कई अहम खुलासे हो सकते हैं। कैमरामैन विद्या ब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।